आप सभी का वेलकम है डीके वंदना के न्यू ब्लॉग पे। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्ते भीम हर हर महादेव। तो देख सकते हैं वंदना जी यहाँ पे काम धाम में लग गई, अपना कपड़े उपड़े साफ कर रहे हैं और लिलिया मेरा घूम रहा है अंदर। तो देख सकते हैं सुबह का टाइम है, वंदना जी इतना ढेर सारा कपड़ा लेके साफ सफाई में लग गई हैं सुबह सुबह, जो कि हमारे घर में बहुत कपड़े निकलते हैं। ये एक दिन का कपड़ा नहीं है, तीन चार दिन का कपड़ा है। और यहाँ पे सब आज पानी भी आ रहा है तो इसीलिए धुल रही हैं वो, पानी नहीं आता तो नहीं धुलती है। हाँ, अभी इधर जो कपड़े हैं उधर से हेयर ढूंढ के निकाल रही हैं, कौन कौन से कपड़े साफ करने हैं। और एक साथ में यहाँ हम किचन में अपना काम भी कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं वो है गर्मा गर्म चाय, दूध। यहाँ देखिए प्याज मिर्ची अजवाइन जीरा डालकर हम जा रहे हैं पराठा बनाने, चाय के साथ पराठा। किस चीज का पराठा जी? प्याज का पराठा। इसके अंदर देखो प्याज कटा हुआ है, थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। हींग डालने से क्या होता है ना, खुशबू आती है। खुशबू क्या, पेट को सही रहता है। और क्या सच में बहुत परेशान। खोल दो। ये हिंग थोड़ा सा खड़ा हुआ है जो अच्छा लगता है। कंपनी कंपनी का होता है, आप लोग कौन सी कंपनी का यूज करते हो तो कमेंट करके बताइएगा कौन सी कंपनी का हिंग अच्छा होता है, किसका खुशबू अच्छा होता है, किसका टेस्ट अच्छा होता है। सब लोगों का टेस्ट जो होता है अच्छा अपने प्रकार का होता है। यहाँ देख सकते हैं हींग को कूट रही हैं और इसमें ये नमक वगैरह जीरा उरा मिर्चा वर्चा प्याज वाज सब काट लिया है। अब प्याज का पराठा किस किस के घर में बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ जी, यहाँ मैंने नमक अजवाइन मिर्च प्याज और जीरा और हींग डालकर हम इसको बनाएंगे प्याज का पराठा। अरे बच्चे देखो लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना, चैनल पे जो नए जुड़े कोई भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप हमारा वीडियो। तो जाते जाते सबको श्री शिवाय नमस्ते। तो यहाँ बन गया है गर्मा गर्म प्याज का पराठा, चाय के साथ प्याज का पराठा खाने का अपना ही मजा है। डालडा घी बना रही हूँ। डालडा घी का रिफाइंड देसी घी का पराठा अच्छा नहीं लगता है। तो खुशबू सुनते ही सुनकर ऋषभ आ गया। क्या बन रहा ऋषभ बोलो तो। सुनाक्षी जायसवाल अपना पढ़ाई लिखाई कर रही है, ये अच्छा लगता है जब बच्चे घर में पढ़ते हैं। तो इधर आ गया है गर्मा गर्म प्याज का पराठा और चाय, और इधर है रस्क रखा हुआ। तो खा पी के हम निकलते हैं ड्यूटी के लिए। सुनाक्षी अपना पढ़ाई लिखाई इधर चालू कर आज ये फोन लेके जाना है तो जाना नहीं, है दो फोन ले रखा है क्या, इधर पढ़ाई इधर इसमें पढ़ोगे, यहाँ रहोगे तो फोन चलाओगे। बाय, चलते हैं काम पे। चाय नाश्ता हो गया है, अब निकलते हैं। पानी का डब्बा तो भूल ही गए भाई साहब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दो जगह ले लो। अब खा भी रही, सुबह बनाओगी भी। कौन वो क्या करने आएगा? चलो ठीक है, और क्या लेना है खाना? बना लो कुछ पनीर का भुजिया भी बना लो। और क्या ठीक है, कितना एक पाव? तो मैं आ गया हूँ साकेत रोड पे और यहाँ भैया बेच रहे थे लिट्टी चोखा। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि ना लिट्टी चोखा पैक करा लिया जाए घर के लिए। तो भैया यहाँ पे चोखा पैक कर रहे हैं और हमारी बहन यहाँ पे लिट्टी बना रही है। फाइनली मैं घर पे पहुँच गया हूँ और सब देखो सुनाक्षी ये लोग इंतजार में खड़े हैं कि पापा क्या लेके आए हैं। आज पापा छोड़ दिए, ये देखो सीधा मोबाइल ले लिया ये लड़का मेरा, पापा छोड़ दिए। तो चलते हैं किचन में देखते हैं वंदना जी क्या हाल है। वंदना जी देखिए मैं आपके लिए क्या क्या आइटम लाया हूँ। आज वंदना जी ब्लॉग नहीं डाली है, फीवर हो रखा था ना तो खाना आए किचन में बनाने के लिए। तो लाए हूँ लिट्टी चोखा पनीर और उधर दही
शर्ट लिपटी छोकर इसके नीचे भी मैंने खाली कर दिया थे पन्नी। ऋषभ हाथ नहीं धुले, छूते नहीं है, मैं धुला हूं। मानते नहीं हो, इतना समझाता हूँ इन लोगों को। हम गए दही भी ले लेते हैं, रहेगा तो खाएंगे तो। ये खुला वाला दही है ना, ये अच्छा होता है। बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? कि आज सोनाक्षी दीदी का बुआ लिया है। सोनाक्षी दीदी का? दीदी, अरे वाह, क्या बात है दीदी। सोनाक्षी कोई बात नहीं बोलता, लेकिन अच्छा तो बोल रहा है। तुम तो वो भी अच्छा नहीं बोलती हो। वो दीदी बोलता लेकिन ये मना करती है। सोनाक्षी बोलती है मत बोला कर दीदी। यहाँ देखियो, ये दही आ गया है। दिखाओ एक बार दही। एक खुला दही, एक पैकेट वाला भी आता, लेकिन पैकेट वाला भी खुला दही है। तो हमारे घर में पनीर भी आया, दही आया है। आधा किलो पनीर लाया, कल कोई गेस्ट आने वाला है हमारे घर। नहीं, गेस्ट कौन है? गेस्ट थोड़ा। अरे गेस्ट ही, अगर कोई ऐसे आ रहा तो गेस्ट ही है। कोई गेस्ट नहीं आने वाला है, आपको बेवकूफ बना रहे थे। अप्रैल फूल बनाया, तो यहाँ देख सकते है तेल को डाल दिया कढ़ाई में। तो चलिए जस्ट अभी आया हूँ, देख सकते हैं बैग भी टांग रखा हूँ। चलते हैं, पहले फटाफट हाथ मुंह धुल लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो आज वंदना जी की तबीयत फिर नहीं सही है, पता नहीं इनकी तबीयत को क्या हो जाता है। यार यहाँ बना रही ग्रेवी वाला बना रही हूँ क्या? हम तो सोचे ऐसे बनाओगी सूखा। तो देख सकते हैं आप, बड्डो पनीर इन्होंने काट रखा है और इसकी बना रहे पनीर की सब्जी, और इधर बन रहा है रोटी। तो आटे को ले लिया अभी गूंद के। क्या हुआ है, दवा ले आऊं? नहीं, दवा नहीं खाएंगे। वो ना थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, दवा लेके आता हूँ। सब भोले बाबा है साथ। इधर बनी गर्मा गर्म पनीर की सब्जी, भाई साहब क्या बात है। आहा, खुशबू तो पहले ही ले रहे हैं, स्वाद क्या आएगा तब बाद में। सही बात। कैसे पनीर ना सही ना ही रहा, मतलब भुजा एक पनीर होता है फुल क्रीम पनीर था ये। मतलब फुल क्रीम ज्यादा मत लाया करिए ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। हाँ, फुल क्रीम सॉफ्ट होता है। और ये पनीर की सब्जी बनाओ ना, लिविदा हो जाता है। हम पर फुल क्रीम अच्छा होता, महंगा भी मिलता है। नहीं नहीं, एक पर वो देखो आप चलाए भी नहीं, बस डाल कर। तो अमित गए थे गांव और पापा को देख के आज वापस भी शायद आ रहे हैं, वीडियो में डाला हुआ है। और मैं क्यों नहीं गया, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भी देखना है। और किट्टो वहाँ पे अकेली अगर कोई बात हो जाता है तो यहाँ वहाँ देखना भी पड़ता है। और अमित गए थे तो वो देख के आ गए हैं, और कुछ दिन बाद हम भी हो सकता है जाके पापा को देख के आए। दोनों लोग साथ में जाएंगे तो फिर वो फीलिंग भी नहीं आती है। नहीं नहीं, दोनों लोग साथ में अगर जाएंगे तो परिवार के साथ जाएंगे, अपना मतलब कि लेडीज बच्चों को अकेले छोड़ के दोनों लोग कैसे जा सकते हैं। इसीलिए वो गए हैं, और ये तो बोले मैं तो जाऊंगा, मैं बार बार थोड़ू ना कि रिपीट करूंगा, मुझे तो वैसे गांव जाना है, तो उसी इलाके दोनों जगह हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। हम भी जाएंगे पापा को देखना, अमित तो देख के आ ही गए हैं। वो संभालेंगे यहाँ पर। अब वो आ जाएंगे तो वो देखेंगे, वो रह लेंगे अकेले। हम तो रह भी लेते, वो तो अकेले रह भी नहीं पाते हैं। ये नहीं तो जैसे कि आप मेरे को छोड़कर जा भी सकते हैं, तो लेकिन है, चलिए दिल्ली में कोई अपना इंसान है, ये चीज होती है। ये भी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ कहना है क्या? नहीं, मेरे को ना बता रहे कि वीडियो सुना उलझन सो, मुझे लगा कुछ कहने वाली हो। चलिए बाय बाय।